वीडी शर्मा बोले, आज कोर्ट ने मोहर लगा दी कि राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। मानहानि केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। इस पर मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि आज कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि राहुल गांधी राजनीतिक आदतन अपराधी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री से लेकर कई लोगों के बारे में इस तरह की शब्दावली का उपयोग किया है जिसे न्यायालय ने उचित नहीं माना। दुनिया के देशों में भारत का अपमान कैसे हो सकता है, भारत का अपमान कैसे किया जा सकता है, यह लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि राहुल गांधी इस देश में गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति हैं, इस देश में राजनीतिक आदतन अपराधी हैं और पूरा गांधी परिवार आज जमानत पर है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी की वर्तमान सजा के मामले में भी पार्टी कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी और सत्य की जीत होगी, लेकिन राजनीतिक विरोधी यह न समझे कि वे राहुल जी या कांग्रेस पार्टी की आवाज को दबा सकते हैं। पूरा देश राहुल जी के साथ है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और कानून में भरोसा करने वाली पार्टी है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने हमेशा हर वर्ग और व्यक्ति का सम्मान किया है।